पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई। बहुत शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी का बात कर सकता है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में भारत और चीन के सैनिक के बीच हुई झड़प पर देश में हंगामा जारी है। पहले संसद में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था, वहीं विपक्ष ने संसद में घेरा था इस दौरान। अब शुक्रवार को इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भी घमासान हुआ है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत चीन से युद्ध के खतरे की अनदेखी कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी उन पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र पर आरोप लगाया है कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करते हुए कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है, जिसके बाद से सियासत और भी गर्म होता हुआ नजर आया है। राहुल गांधी के इस बयान का बीजेपी ने खुलकर विरोध किया है। वहीं बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को त्वांग झड़प को लेकर जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजनीति वह है जो समाज को आगे ले जाने का काम करे, चाहे गलवान हो या त्वांग हो। मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि किस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की इज्जत बढ़ी है, इसको सभी स्वीकार करते हैं, इससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया है। वहीं घायल की स्थानीय लोगों ने, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं हेलमेट ना लगाए जाने की वजह से बाइक चालक को सर पर काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात नहर बालागंज से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अनोखी शादी का उपहार दिया गया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां शादी में उपहार स्वरूप बुलडोजर दिए जाने का पहला मामला ये सामने आया है। बता दें कि भारतीय नौसेना में कार्यरत योगी उर्फ योगेंद्र को शादी में उपहार स्वरूप बुलडोजर मिला है, जिसके बाद से थाना समेरपुर इलाके में शिव लॉन गार्डन में ये शादी का आयोजन किया गया था, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिरोजाबाद थाना लाइन पार पुलिस द्वारा बांग्लादेश के 80 वर्षीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही नागरिक के पास से 31,500 रुपए की बांग्लादेश की मुद्रा बरामद की गई है। वही पुलिस के अनुसार उक्त नागरिक के पास से कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शायद यही कारण है कि लगातार जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोतवाली नगर में शुक्रवार शाम एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार अपराधी ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना में बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहां मामला कोतवाली नगर के कटिया मेट्रा गांव से जुड़ा हुआ है। यहां शुक्रवार शाम गन्ना काट रही महिला की बाइक सवार अज्ञात युवक ने हंसिया से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कटिया मेटुरा गांव निवासी सूर्य भान की पत्नी सोमना शुक्रवार को गांव के पश्चिम में अपने खेत में गन्ना काटने गई हुई थी। वही शाम में करीब 4-5 बजे बाइक पर अज्ञात युवक वहां पहुंचा। उसने सोमना से गन्ना काटने के लिए हसिया मांगा और इसके बाद गन्ने को काट कर उसने गटर बनाया, जिसके बाद गटर को बाइक के पीछे बांधने के बाद उसने अचानक सोमना पर हसिया से हमला कर दिया। उसका गला रेत दिया गया और इसके बाद सोमना की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके बाद बाइक सवार युवक बता दे कि बैरागी जीत गांव की ओर भागा और साथ ही कुछ ग्रामीणों ने बाइक सवार का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ नहीं सके उसे। मालूम नहीं है उस मने का देखें, मोटरसाइकिल खड़ी रही वह का देखें, उसके बाद में मोटरसाइकिल गन्ने के बीच में दोनों खड़ी रही। पहले कोई दुश्मनी थी कि नहीं थी? पहले कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं रहा हमारे कोई के गांव में यहाँ, कोई झगड़ा तक के नहीं भरा। ये एक मने से थी परसों झगड़ा भरा था, नहीं तो औरत है औरत से भरा। आपको किसी के ऊपर शक है? अब शक के करे ऊपर बताई दी, अब जगह शक है तो करे मेरी और कहा के लिए, अब तो जो कुछ हुई तो देखा जाए। मृतका हैं ये, इन्होंने खेत लिया था बटाई पे, पांडे जी का, मंगला प्रसाद पांडे जी का खेत है। इस खेत में पत्ती बिछाने आई थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आया था उसने इनके चेहरे पर और गले पर चोट लगाया, जिससे उनकी हसिया से, जिस हसिया से वो गन्ना काटा जाता है उस हसिया से उसने वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इस पे एक व्यक्ति पर शक भी व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस टीम की कार्रवाई कर रही है, जल्दी ही हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। सर घर वालों का कहना है कि इस पे 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। जी जी हाँ, प्रयार में यही उन्होंने लिखाया है। सर यहाँ कुछ औजार मिले हैं जिससे धारा मारा गया था? अब वो सब देखा जा रहा है, वो सब। जौनपुर के प्रयागराज आ रही बच्चों की टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक छात्र घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं लोगों का कहना है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, इसलिए स्थानीय लोगों ने अन्य गाड़ियों से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं मौके पर पहुंची SP गंगापार ने बताया है कि हादसा इतना भीषण था कि 2 छात्रों की मौत हो गई है। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा पीड़ित महिला द्वारा थाना बिसलपुर के तहसील दी गई, लेकिन थाना बिसलपुर प्रभारी द्वारा महिला की तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि लगभग 1.5 साल पहले बरेली जनपद निवासी मोहन स्वरूप पुत्र पातीराम नामक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जो जनपद बरेली के जोगी नवादा क्षेत्र का निवासी है, जो स्वास्थ्य विभाग में एक 4th क्लास कर्मचारी है। महिला का आरोप है कि उस व्यक्ति ने अपनी जाति को छुपाकर महिला की जाति का स्वयं को बताया और उसने
कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। इस पर महिला ने आपत्ति जताई, तब वह व्यक्ति उस महिला को छोड़कर चला गया और जब महिला ने तहरीर दी तब उस व्यक्ति ने उस महिला को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि महिला के पास शादी का मैरिज सर्टिफिकेट एवं शादी की फोटो भी मौजूद है। साथ ही बता दें कि महिला न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। महिला ने उच्च अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया है। उसके साथ ही इस प्रकार से धोखाधड़ी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली के थाना कैंट में आपको बता दें कि नकटिया पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही विशाल पर दो युवकों ने चौकी पर फायरिंग कर दी, जिसपे घटना के बाद बाल बाल बचे सिपाही घटना की सूचना मिलते ही थाना कैंट प्रभारी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारी घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। SSP ने घायल सिपाही बता दें कि घायल सिपाही से की जानकारी, वही बता दें कि CCTV फुटेज आप देख रहे हैं, CCTV में पूरा मामला कैद हो गया है। किस तरीके से बरेली का यह मामला है, जहां सिपाही को बता दें कि बाल बाल सिपाही बचते हुए नजर आए हैं और सिपाही को बदमाश ने गोली मारी है। और इस दौरान देखिए आप CCTV में ये पूरा मामला कैद होता हुआ सामने आया है। देखिए ये थाना कैंटी सिन्नापटिया चौकी में एक हमारा सिपाही है 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने SI के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है, तो वो लौट के आया। उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी, सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया, बहुत ज़्यादा दारू पी रखी बाहर से, तो उसने एक असलाह निकाल के फायर किया और वो एक हमारी लोहे की अलमारी उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है। और CCTV फुटेज में हम लोग को दो अपराधी जो हैं की फ़ोटो मिली है, उसके आगे कार्रवाई की जाए। सर क्या लगता है कौन लोग? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारुख रजा ने खास बातचीत की है BJP सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी से। देखिए धमाकेदार इंटरव्यू आज रात 8 बजे। पहली बात तो आपको मुबारक कि गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह ने भी कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के संभल जिले में इस्तेमाल न करने का संकल्प लेकर शुक्रवार को जिले में सभी 8 आपको बता दें कि विकास खंड से सिंगल यूज प्लास्टिक की शव यात्रा को निकाला गया है। जिस तरह से किसी ने निधन पर बकायदा धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम शव यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक के शव यात्रा निकाली गई है। शव यात्रा में बकायदा सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शव वाहन और प्लास्टिक की अर्थी बनाई गई और इस दौरान बकायदा प्लास्टिक की अर्थी को सजाया गया। वहीं शव के पास बैठे मौजूद लोग रोते नजर आए। वहीं संभल जिले में इस अनोखी पहल को शुरू करने वाले जिला अधिकारी मनीष बंसल ने बताया है कि प्लास्टिक के अंतिम शव यात्रा को जिले भर में कूड़े के परी करीब
15 कुंटल पॉलीथीन इकट्ठा की गई, जिसमें आज शव यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया है कि इस प्लास्टिक को नया रूप देने के लिए रिसाइकलिंग कराकर जन उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस अनोखी शव यात्रा के लाखों लोग गवाह बने हैं। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे तरह से बैन है, और उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं अक्सर गांव देहात में कई खाली स्थानों पर पॉलीथीन और खाली प्लास्टिक वगैरह जो है वो फैला रहता है। इसी को हटाने के लिए एक बृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया गया, 8 ब्लॉक में। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक टारगेट सेट किया कि 15 किलो जो सिंगल यूज़ वेस्ट प्लास्टिक है उसको एकत्रित किया जाए, ऐसे पॉलीथीन इत्यादि को एकत्रित किया जाए, और उसकी एक सिम्बॉलिक शव यात्रा हम लोग आज निकाल रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक से ये शव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें इस एकत्रित प्लास्टिक को हम लोग जनपद स्तर पर लेकर जा रहे हैं। इसे प्लास्टिक की शव यात्रा का नाम दिया गया है। लगभग पूरे जनपद में आज 150 क्विंटल संभल जिले में एक बार फिर अवैध प्लास्टिक पर बाबा का बुलडोजर चला है। करीब 20 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की गई प्लांटिंग पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरा मामला सदर तहसील क्षेत्र के मुरादाबाद मार्ग स्थित आबाद वाली का है। वहीं शुक्रवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य सचिव SP शर्मा एवं SDM विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अवैध रूप से की गई प्लांटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही दोनों अफसरों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध प्लांटिंग को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कराया है। वहीं SDM विनय कुमार मिश्रा ने बताया है कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत SP शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया है कि करीब 20 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लांटिंग की गई थी। यह प्लांटिंग लेआउट के पास नहीं थी, और ऐसे में अवैध रूप से की जा रही इस प्लांटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए में अवैध रूप से की गई बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, और इसको लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। तरह से अवैध इलीगल ये कॉलोनी है, ये प्लॉट बना प्लॉटिंग की गई है। ना तो इन्होंने मानचित्र स्वीकृत कराया है, पास कराया है जिला पंचायत से, ना ही कोई अन्य कहीं रजिस्ट्रेशन कराया रहना है, ना कोई इस तरह का एग्रीमेंट किसी तरह का दिखाया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरी तरह से लोगों को फंसाने के लिए सब काम कर लिए गए और लोगों को प्लॉटिंग करके निकल लिए लोग। इस तरह से पूरी तरह गलत है, ऐसा ना होने के लिए इस तरह से कर रहे हैं ताकि और इस तरह की गतिविधियाँ ना हो। देश के प्रसिद्ध जादूगर DK भारत और उसकी टीम द्वारा आज आपको बता दें कि शाहजहांपुर जेल में अधिकारियों, स्टाफ और बंदियों के समक्ष में अपनी जादू कला का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी प्रसिद्ध जादूगर DK भारत की कला का लुत्फ उठाया है। आपको बता दें कि विगत एक महीने से जादूगर DK भारत के प्रतिदिन 3 शो स्थानीय चित्रा टाकिए हाउसफुल चल रहा है, और साथ ही बता दें कि बंदियों के विशेष अनुरोध पर साथ ही विशेष प्रयास के फलस्वरूप DK भारत का कार्यक्रम कारगार में लगवाया गया है। DK भारत मूलतः पटना बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही देश के चुनिंदा जादूगरों में से एक बताए जाते हैं। कारीगर को में प्रवेश के समय प्रसिद्ध जादूगर का काड़ापाल राजेश कुमार राय द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद से उनके द्वारा अपनी जादू कला का प्रदर्शन कर सभी को मोहित कर दिया गया। आज कारागार में बंदियों के अवसाद और तनाव
को दूर करने तथा स्वस्थ मनोरंजन के लिए देश के प्रसिद्ध जादूगर डीके भारत और उनकी टीम के द्वारा जादू कला का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक के द्वारा कार्यक्रम का लुत्फ उठाया गया तथा कार्यक्रम की फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार। पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है।